नमस्कार, आप देख रहे हैं CNE क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। SSP अल्मोड़ा द्वारा चलाए गए इवनिंग स्टॉर्म 2.0 अभियान का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। सार्वजनिक स्थानों पर नशा व अराजकता करने वालों पर कस रहा है शिकंजा। विगत 10 दिनों में अल्मोड़ा पुलिस की इवनिंग स्टॉर्म 2.0 की चपेट में आए 904 लोग, हुई चलानी कार्यवाही, 8 वाहन हुए सीज। श्री देवेंद्र पिंचा SSP अल्मोड़ा द्वारा सभी थाना व चौकी प्रभारियों, निरीक्षक, यातायात इंस्पेक्टर प्रभारी, आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद के समस्त थाना प्रभारी को अपने अपने थाना क्षेत्रों व जनपद के प्रवेश मार्गों में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी, संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तुओं की तलाश हेतु व्यापक चेकिंग अभियान चलाने व आपराधिक व अराजक तत्वों पर सतर्क दृष्टि रखने, साथ ही इवनिंग स्टॉर्म 2.0 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने, उपद्रव, छेड़खानी, अराजकता करने वाले, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने व यातायात नियमों के उल्लंघन करने तथा सार्वजनिक स्थानों या होटलों, ढाबों में शराब पीने पिलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गे हैं। CO अल्मोड़ा व रानीखेत श्री विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस ने विगत 10 दिनों में इवनिंग स्टॉर्म 2.0 चलाकर सुनसान व एकांत या संदिग्ध स्थानों पर सघन चेकिंग कर संदिग्धों की तलाशी आदि भी ली गई। इस दौरान होटल, ढाबों में शराब पीने व पिलाने व न्यूसेंस फैलाने वाले 224 लोगों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत चलानी कार्रवाई की गई तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 671 लोगों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम व 9 व्यक्ति के विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तहत चलानी कार्रवाई की गई। 8 वाहन सीज किया गया है। अल्मोड़ा पुलिस का इवनिंग स्टॉर्म 2.0 चेकिंग अभियान जारी रहेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNE क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस।